Hey guys, welcome back to another video. This is Navneet. तो आज की वीडियो में कैसे आपको Azure फ्री अकाउंट बनाना है, कैसे आप Microsoft Azure का फ्री अकाउंट बना सकते हो और इसमें आपको कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आसान सा मेथड बताऊंगा। और इस Azure अकाउंट में आपको $100 का क्रेडिट भी मिलेगा और आप इसको 1 ईयर तक के लिए फ्री में यूज कर सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो। तो गाइस चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने अपने ब्राउजर ओपन किया है और ब्राउजर में सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर सर्च करोगे तो आपका पहला लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल लिंक microsoft.com वाला, तो उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं वो सब आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन हम लोग को इसको यहाँ पर स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करते करते यहाँ पर नीचे चले जाना। तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा एजुकेशन वाला सेक्शन, ठीक है। तो एजुकेशन वाले सेक्शन में ही आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा Azure फॉर स्टूडेंट, तो इस पे यहाँ पर क्लिक करना तो आपका ये बिल्कुल नया ही पेज खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट Azure का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली होने क्या वाला है, इस Azure अकाउंट में आपको सारी सर्विसेज फ्री मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, और यहाँ पर आपको $100 का क्रेडिट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आपको कोई भी आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके ही बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पर उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो लॉग इन करने के लिए ही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गाइस आपके पास एक स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। स्टूडेंट आईडी क्या होती है, जैसे हम लोग का नॉर्मल अकाउंट होता है वो .com से एंड होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी होती है वो .edu से एंड होता है, मतलब एजुकेशनल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एजुकेशनल अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपके पास एजुकेशनल अकाउंट नहीं है, edu मेल नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया कैसे आपको एक एजुकेशनल अकाउंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर आपको एक एजुकेशनल अकाउंट और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशनल ईमेल डालिए, इसके बाद साइन इन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस अगर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा तो आप देखोगे कि जिस भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रहा होगा उसके बाद आपका यहाँ पर नाम लिख के आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एजुकेशनल मेल है, उसका यहाँ पर नाम लिख के आ गया। इसके बाद उस आईडी का यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, इसके बाद साइन इन कर दीजिएगा। तो ये पेज बिल्कुल आपके लिए पहली बार ओपन होगा Azure का और यहाँ पर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉगिन करने में। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्टे साइन इन कर सकते हो, यस कर दीजिए। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो हम लोग पहली बार यहाँ पर Microsoft Azure के अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर ये sms.24 करके एक वेबसाइट है, टेम्परेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप किसी भी कंट्री का मोबाइल नंबर डाल के OTP ले सकते हो टेम्परेरी और इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। नहीं तो आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना +91 इंडिया का और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर टेक्स्ट ले सकते हो या फिर SMS कॉल ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट वेरीफाई करने के बाद आपका ये Azure अकाउंट ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर दिखता है Azure का। यहाँ पर आपको सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है Azure का तो यहाँ पर डाउनलोड Azure सॉफ्टवेयर कर सकते हो। Azure की फ्री सर्विसेज लेनी है तो यहाँ पर वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके आप फ्री सर्विसेज वगैरह भी ले सकते हो और यहाँ पर देख लीजिए आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सारी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से ले पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट में जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको विंडोज मिल जाएगी, विजुअल स्टूडियो मिल जाएंगे और भी यहाँ पर एडिटिंग से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी मिल जाएंगे और जितने नेटवर्क से रिलेटेड जो भी होता है वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली देख लेना आपको कौन सा यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर गाइस आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस की जो विंडोज है उसकी की वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कीज वगैरह देख सकते हो और उसको डाउनलोड करके एक्टिवेट भी कर सकते हो अपने PC में।
तो इसके अलावा गाइस मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ एज्यूर का डैशबोर्ड कैसे दिखता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ उसका सब्सक्रिप्शन आपको कितनी इसकी वैलिडिटी है और आप $100 क्रेडिट्स मिले कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर होम विंडो पे आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सारे फीचर्स इनेबल है। यहाँ पर मैं आपको सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हो वैलिडिटी, तो वैलिडिटी यहाँ पर आप देखने वाले हो कि ये मेरी वैलिडिटी है वो जो कि एक्टिव है 100%। तो यहाँ पर आपको देख ले सकते हैं यहाँ पर एक्टिव भी लिख के आ रहा है। यहाँ पर एजोरे फॉर स्टूडेंट पे यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 100 क्रेडिट्स वगैरह भी मिल चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो करेंसी INR में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आप इंडियन मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हो तो आपको INR वगैरह दिखा देगा, और ये वैलिडिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट चेक करने हैं तो वहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्रेडिट्स वगैरह देख सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। यूज करना आपको पता ही है, आप यहाँ पर यूज करने के लिए आपको अगेन आपका अकाउंट चूज करना पड़ेगा। अकाउंट वगैरह चूज कर लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 100% अभी पूरा USD बाकी है, इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यार गाइस आप अपना Azure अकाउंट बना सकते हो और इसकी फ्री में सर्विसेज ले सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी हो, अच्छी लगे तो यार जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी आपने एडुमेल की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर से देख लेना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।